स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल मदर डॉटर किचन पे। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फ्राइड मोमो की रेसिपी। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है करीब 200 ग्राम मैदा, और अब हम इसमें पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो तैयार हो जाने के बाद हम इसमें ऊपर से चारों तरफ से ऑयल लगा देंगे और किसी भी प्लेट से इसे कवर कर देंगे। तो अंदर के स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ग्रेट किए हुए बंदा गोभी करीब 500 ग्राम, बारीक काटी हुई प्याज, बारीक काटी हुई गाजर, धनिया के पत्ते, बारीक काटी हुई हरी मिर्च, और हमने यहाँ पे लिया है बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। फ्लेवरिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को हीट करेंगे और उसमें हम करीब 2 टेबलस्पून तेल रख लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज, और उसके बाद थोड़ी देर सॉटे कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई गाजर और ग्रेट किए हुए बंदा गोभी। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और उसके बाद फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर। इसे भी अच्छी तरीके से मिला लें। और मिला लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ताजे धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते डालने के बाद भी इसे एक बार अच्छी तरीके से मिला लें। टोटल हमें करीब 2 से 3 मिनट तक इन सारी सब्जियों को भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसकी गैस को ऑफ कर दें। तो स्टफिंग ठंडा हो जाने के बाद हमने इसे यहाँ पे एक बाउल में निकाल लिया है। साथ ही में हमारा यहाँ पे डो भी तैयार है। तो अब हम थोड़े से डो को अपने हाथ में लेंगे और इसकी एक लोई तैयार करेंगे, और उसके बाद इसे सूखे आटे में लगाने के बाद इसे पतला बेल लेंगे। परफेक्ट शेप में आ जाने के बाद हम इसके अंदर फिल करेंगे हमारा बनाया हुआ स्टफिंग। और इसे वीडियो में दिखाए गए तरीके से सील कर देंगे। मैं यहाँ पे सिंपल सर्कल डिज़ाइन में इसे डिज़ाइन कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कोई सा भी मोमो का डिज़ाइन बना सकते हैं। और उसके बाद इसके सेंटर को पकड़ के अच्छी तरीके से सील कर दें। तो यहाँ पे हमारा एक मोमो तैयार है। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से और भी मोमो बना लेंगे। तो हमारे सारे मोमो तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल को हीट कर लिया था और अब हम इसमें सारे बनाए हुए मोमो को रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और बस हमारा फ्राइड मोमो तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।